आप सभी को पता है कि आज 2 फरवरी आचार्य मोतीरामन कंगाली जी का जन्मदिन है, जिनको श्रद्धांजलि देते हुए, जिनको समर्पित करते हुए गोंडी भाषा दिवस को मनाया जाता है। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रायताड़ वैशाली ध्रुवे जी के द्वारा और गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के सहयोग से और अन्य भी सहयोगकर्ता हैं जिनके सहयोग से गोंडी क्लास विगत 6 माह से जूम ऐप के माध्यम से चलाई जा रही है। आज हमारे साथ गोंडी क्लास से कुछ हमारे मातृशक्ति, कुछ भाई, कुछ जीएसयू परिवार के, कुछ गोंडवाना परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, जो आप सभी के सामने गोंडी भाषा में बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गोंडी भाषा को बढ़ावा देना है। हमारे जन समुदाय में, समाज में और देश में गोंडी भाषा के महत्व को पहचानना है, जानना है। आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सब कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी छोटी बहन रायताड़ वैशाली ध्रुवे जी को कि वो आए और गोंडी भाषा के आज के दिवस के दिन अपनी बात रखें और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तृत चर्चा करें। आमंत्रित करता हूं आदरणीय वैशाली ध्रुवे जी को कि कृपया आए और अपनी बात रखें। बल्ले बल्ले सेवा दाऊ मीवा सबसे पहले प्रकृति शक्ति फड़ा पेंतुन सेवा 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 जवार क्या आऊ ने महोर पुरखाल पुनोसाय उड़कुन भी सेवा 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 जवार क्या काल करसी तला कुटसी पुनोसाय डॉक्टर तिरुमाल मोतीरावन कंगाली तादुन भी सेवा 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 जवार क्या नेंड ओढ़ना पुटसीना सुकुमता दिया मंदा आऊ नेंड गोंडी भाषा दिया ओढ़कुन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ता माध्यम ता नेंड अमोट पुरो मावा जो परिवार मंदा जीएसी परिवार नेंड ओढ़ना काल खाले अमोट समर्पित किया इत क्लास आऊ ने जो पढ़े किया करिया या करीसी रहे मातोड़ो आऊ ने सबूटे जो सगा समाज मंदा जो मुंडे कोया बोली जो गोंडी भाषा तुन ओसी रहे माता ओढ़कुन भी सेवा 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 ज्वार क्या माँ मांदीते वातोड़ नवा आतो खेंदा तमुड़ खेंदोड़ चुड़ोड़ फड़ोड़ सिलाक है ओढ़कुन भी सेवा 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 ज्वार क्या फेसबुक ता माध्यम ता लुड़े वाले सबूटे सगा पाड़ीकुन भी सेवा 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 ज्वार क्या नेंट वल्ले चोको बेरा मंदा बाड़ी का नेंड माओर पुनोसाय आचार्य तिरुमाल डॉक्टर मोतीरावन कंगाली दादा ना नेंड पुर्सीना वाना सुकुमता दिया भी मंदा आउने नेंड जो अपलो ना कोई मुरी दीप तोर मुन्ने सबसिन मुन्ने जो अपलो ना भाषा तुन जो जाने मातोर जो अपलो ना लिपि मंदा अदलिपि तुन वेये वाले तान करिया वाले ना सगा समाज ता नडुम तर्रे वाले सब सीन मुन्ने जो मावा सगा समाज था नड्डू अपलोना लिपि तोड़ वो आचार्य मोतीरावन कंगाली तादोना काल खालो अमोट सबूटे जीएसी परिवार सेवा 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 ज्वार क्या सहृदय ताल सेवा मान क्या एवे शब्दानुनाना विराम से आतोना बाड़ी कंदे के उंडे मुन्ने माकुन चर्चा क्या ना है बड़ी खीना ऐंदा तेनाना पुना कैसे आतोना आरडी दाउन दाउ मीवा वल्ले वल्ले सेवा मान मंदा इमट वड़ा टूडे मुन्नेटा जो बात विचार मंदा आप लोग ना मांधी था अद्वे यार सेवा सेवा बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली ध्रुवे जी, आपने ये बात रखी और आगे का कार्यक्रम भी आपको संचालित करना है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सूर्यावाली जी को। त्रिमाल डॉक्टर सूर्यावाली जी कृपया आए और गोंडी भाषा दिवस के उपलक्ष में मोतीरावन कंगाली जी के ऊपर अपनी बात और अपना मार्गदर्शन हम युवाओं को देने की कृपा करें। डॉक्टर सूर्यावाली सर बल्ले बल्ले धन्नाई ध्रुवे जी एंड वैशाली समूटे पेन शक्ति नूं सेवा 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 जोहार।
उनसाए तिरुमाल मोतीराम कंगाली दादा ना काल करी स्थला कोटी सेवा 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 जोहार किया तो ना नेट पुरसी ना सुखुम ता बल्ले बल्ले सेवामान उंडे गोंदी दिया बल्ले बल्ले सेवामान नेंडना गोंडी भाषा तुन मुन्ने वे वाले सब उठे सगा समाज उंडे बेन बेरिंदा कोया बिदार तुन बल्ले बल्ले सेवा मान सेवा जोहार नवा परोल डॉक्टर सूरज ध्रुवे मंदा नना भोपाल ते मंतो ना इद मादी उपस्थित सबूटे जीएसयू वृंदा सगा शक्ति मात शक्ति पित शक्ति सबकुन सेवा 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 जोहार। आज चूंकि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो भाषा से कम परिचित हैं या सीख रहे हैं, उन्हीं में से एक मैं भी हूं, मैं भी आपके बीच से हूं, तो हम आज इस गोंडी भाषा दिवस पर दादा डॉक्टर मोतीराम कंगाली के 73वें जो जन्म दिवस है यानी जयंती है उस पर हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दादा के इस जन्म दिन को अमर बना दें और यह गोंडी भाषा के लिए हमारे पूरे सगा समाज में एक मिसाल बन जाए। इसके लिए हमारे समाज में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, मैं उन सभी सगा समाज के मातृशक्ति पितृशक्ति को सभी को बहुत बहुत बधाई और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं आज के दिन पर। यह समाज जैसे एक चिड़िया तिनके तिनके इकट्ठा करके घोंसला बनाती है, वैसे ही इस समाज के लोग थोड़ा थोड़ा काम करके जो घोंसला बना रहे हैं, यकीन मानिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यह घोंसला जरूर तैयार होगा, क्योंकि आप सबका प्रयास सार्थक होगा। आप जिस तरह से जिस भी स्तर से थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सभी हैं, चाहे वो जीएसयू के संगठन के सभी पदाधिकारी सदस्यगण हों या अन्य भी सामाजिक संगठनों के लोग हों, राजनीतिक लोग हों, हमारे धार्मिक और कोई अपुनेमी संगठनों के लोग हों या कुछ इंडिपेंडेंट या व्यक्तिगत रूप से जो प्रयास कर रहे हैं वो लोग हों, तो यह सभी का एक सामूहिक और एक सगा समाज का प्रयास है और यकीन मानिए यह सगा समाज बहुत तेजी से करीब आ रहा है। शुरू में हमेशा जब कोई चीज स्थिर होती है तो जब उसको आप हिलाते हैं तो उसमें वक्त लगता है, जैसे एक बड़ी सी कोई बड़ा सा पत्थर हो, गोल सा पत्थर हो, अब एक जगह रुका हो तो उसको मूवमेंट करने में, उसको गति देने में थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है, लेकिन अगर वो एक बार वो पत्थर रोल कर जाता है, घूम जाता है या चल चलता है तो फिर उसको रोकना मुश्किल होता है। यही इस कोयतुरियन समाज के साथ भी हो रहा है, थोड़ा सा भी हम सबको धक्का लगाना है, थोड़ा सा हम सबको बात को अपने अपने स्तर पे प्रयास करना है और यकीन मानिए अगर यह प्रयास धक्का हमारा थोड़ा भी सार्थक हो गया और हम इसको मूवमेंट गति दे पाने में सफल हो गए, यकीन मानिए फिर इसको रोकना असंभव होगा। स्पेशली जो हमारे साथ युवा पीढ़ी जुड़ रही है, जिसको अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने समाज, अपनी भाषा के प्रति प्यार जगा है, यह पूरे विश्व में अपने तरह का अनोखा जागरण है जिसके बारे में न तो किसी साहित्यकार ने अभी तक, न तो किसी लेखक ने, न मीडिया ने अभी ध्यान नहीं दिया है। यकीन मानिए मैं विश्व के कई मूवमेंटों पर निगाह रखा हूं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट हो, चाहे अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया का मूवमेंट हो, या कनाडा के फर्स्ट नेशन का हो, या जो रेड इंडियन का अमेरिका का मूवमेंट हो, या जर्मनी या अफ्रीकन कंट्री जो मूवमेंट चल रहे हैं, उन सभी मूवमेंटों से कहीं तेज गति से गोंडवाना का कोई तुरियन मिजान का जो मूवमेंट चल रहा है वो या पुनिमी ये बहुत तेजी से आ रहा है। तो मुझे यकीन है कि अगले मात्र 4-5 वर्षों में आप देखेंगे कि विश्व के पटल पर यह मूवमेंट जाना जाएगा, इसकी इतिहास, इसकी संस्कृति, इसकी भाषा को लोग सम्मान देना शुरू करेंगे
और आज भी लोगों को दहशत सी पैदा हो गई है कि कहीं अगर ये गोंडवाना का ऊंट अपने करवट ले लिया तो फिर लोगों का क्या होगा। और जिस तरह से आप सभी प्रयास कर रहे हैं, आप सभी को बल्ले वाले सेवामान, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद कि आप अपने व्यस्तम समय में से निकाल करके गोंडी भाषा के प्रति, उसकी कल्चर के प्रति, उसके नेंग सेंग मिजानों के प्रति, जो हमारे व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे पेन पट्टा हैं, जो हमारे पेन कड़ा का मिजान है, जो हमारे सगा का मिजान है, जो हमारे गोटुल का मिजान है, जो हमारा पुनेम का मिजान है, उन सब पर आप सभी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि इस प्रयास में मैं भी अपनी थोड़ी सी जो कुछ भी मुझसे हो सकता है वो भूमिका अदा करूंगा। आपके हाथ से हाथ मिला करके, कदम से कदम ताल करते हुए हम सब साथ में बढ़ेंगे। और आज इस अवसर पर दादा मोतीराव कंगाली के किए गए प्रयासों को, उनके द्वारा शुरू किए गए कारवां को स्थिर नहीं होने देना है। कई लोग ये चाहते हैं कि दादा कंगाली ने जहां कारवां को छोड़ा वहीं पड़ा रहे, लेकिन हम होने नहीं देंगे इस बात को। दादा कंगाली उस कारवां को स्थिर करने के लिए नहीं कह रहे थे, जहां से आप खड़े थे बस वहीं, वो नींव पे खड़े नहीं रहना चाहते। कई लोग सोचते हैं कि दादा कंगाली ने जो नींव बनाई है बस नींव को हम नींव रहने गए, लेकिन हम यकीन मानिए आज के दिन हमें प्रण लेते हैं दादा कंगाली के उस नींव पर हम भव्य महल बनाएंगे और उस नींव को हम खाली नहीं जाने देंगे। दादा का प्रयास एक शुरुआती प्रयास था, एक बहुत ही प्रारंभिक प्रयास था। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में जो कुछ कर सकते थे किए। कोई आदमी अमर होके नहीं आता है, लेकिन दादा ने जो रास्ता दिखा दिया, उन्होंने एक बोर्ड टांगा, एक केवल उन्होंने बोर्ड टांगा है, सफर तो अभी तय करना हमें। उन्होंने केवल एक निशान बताया है कि आपका रास्ता, जैसे आपने देखा ना कहीं पर किसी शहर में आते हैं पर फलाना शहर आ गया उसका बोर्ड दिखता है, तो दादा ने केवल बोर्ड टांगा है कि भाई आपका कोया पुनेमी पथ इधर है। तो अब अगर हम उसके बोर्ड के पास ही खड़े होकर सोच लें कि हमें कोया पुनेमी मंजिल मिल गई है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। हमें दादा के दिखाए गए रास्ते, जो बोर्ड दिखाया है, जो डायरेक्शन दिया है, उस दिशा में चलना है। अभी तो बहुत चलना है, बहुत दूर जाना है, क्योंकि उन्होंने केवल बताया है कि आपका मंजिल इधर है, आपका रास्ता इधर है, आपका प्रेम इधर है। उसको निकालना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा। और आज के दिन शायद हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और यह दिन एक मिसाल बन जाएगा। जो शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, पूरा समाज अपने अपने स्तर पर, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, MP हो, ये सभी स्तर पर, सभी इन प्रदेशों में एक क्रांति सी आ गई है और एक जोश सा आ गया है, स्पेशली हमारे युवाओं में। और जिस तरह से इस जोश को एक होश के साथ गति दे रहा है GSU, उसको हम सलाम करते हैं। उनके जो कर्मठ हमारे नेतृत्व हैं, उनको हम सेवा जोहार करते हैं और फड़ा पेन से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को शक्ति दें, आपको स्वस्थ रखें और एक पॉजिटिव एनर्जी दें, जिससे आप अपने सत्य के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। आज दादा को पुनः मैं सेवा जोहार करता हूं, आज आप सभी को हृदय तल से बहुत सेवा जोहार करता हूं। और आज अपनी अपनी हम बातों को यहां रख रहे हैं और हम एक साथ यहां आए हुए हैं और आगे भी हम इस मंच के द्वारा जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही मिलकर के काम करते रहेंगे। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर सेवा जोहार। बल्ले बल्ले सेवामान सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन युवा पीढ़ी हमेशा काम आता है और युवा पीढ़ी के हमेशा काम आएगा। चलिए आइए, गोंडी भाषा दिवस के उपलक्ष्य में हम आगे शुरुआत करते हैं। हम फिर से पुनः गोंडी भाषा क्लासेस की संचालिका रायताड़ वैशाली ध्रुवे जी के पास चलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि गोंडी भाषा का जो संचालन है वह अब जिस क्रम में उन्होंने तय किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की भाषा में पदन खरी है, आज की भाषा में स्वर्ग और व्यंजन है, आज की भाषा में नूरवेरी पाड़ांग है, ये सब हमारी गिनती है, स्वर की और व्यंजन की जो भाषा है वो भी है। और हमारे यहाँ पे उपस्थित जो विगत 6 महीने से गोंडी भाषा सीख रहे हैं, यकीन मानिए साथियों, ये वो लोग हैं, हम उनमें से वो लोग हैं जो जिन्हें गोंडी भाषा पहले से नहीं आती थी, परंतु
यहाँ पे जितने भी सदस्य सामने आने वाले हैं, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो गोंडी भाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो भी देखेंगे, और जो नहीं जानते हैं और जो नहीं सीख पाए हैं वो भी इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो विगत 6 महीने से गोंडी भाषा में क्लास में सीख कर प्रतिदिन शाम को 8 बजे की क्लास में सीख कर गोंडी भाषा जूम ऐप के माध्यम से सीखे हैं। ये हमारे युवाओं का एक प्रयास है, हमारे बीच में मातृशक्तियों का एक प्रयास है। इसको आज गोंडी भाषा के दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और ये सभी हम सभी आप सभी युवा आप सभी समाज के आप सभी बुजुर्गों के आप सभी जानकारों के बच्चे हैं। आपका मार्गदर्शन हमेशा हम सभी के लिए रहता है। और आइए मैं फिर से ले चलता हूँ वैशाली ध्रुवे जी के पास में, कि वैशाली ध्रुवे जी आए और अपनी क्लास को जो संचालक जिस तरीके से आप करती हैं उसको आप आगे बढ़ाइए, और मैं वैशाली जी को आमंत्रित करता हूँ। वैशाली ध्रुवे जी कृपया आए और अपनी बात रखें। वल्ले वल्ले सेवामान दाऊं भीवा कि माकुन मांडीता जो है दा अदु वेतीना कोशिश के का नाना करियाना उन्दे करियाना तो कोशिश के का वाड़ी का कार्य मतलब क्या ना है ते पुना सबूते सगा पाड़ीरकुन सेवा 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 जोआर नेंड वाके ते मावा जो क्लास मंदा सारू मंगताल ताक्सी रहे माता ऑफलाइन ता माध्यम ताल भी आउने ऑनलाइन ता माध्यम ताल भी वल्ले नेंड इद आची रहे माता वेपील परो ममोट नेटल जो दिया मंदा वल्ले चोकोट मंदा बाड़ी का मावा जो भाषा है तेन कई सगा पाड़ीड मरुंगसी रहे मातोड़ न कई सगा पाड़ीड तेन करियान साटी लक लक ताल जुड़े मासी रहे मातोड़ ते रंटे चीज ताक्सी रहे माता ते नना किली का ललिता सेलाल तिरुमा ललिता विके सेलाल आचार्य मोती अपुनो साय आचार्य मोती रावन कंगाली दादान अपोट ने समर्पित की तोड़ाट ते इमाट अपला पुरो परोल वेयाट आउ ने परोल वेची अपलो ना जो सुरख है ना सुरकुंडे वंजेंग सूरकुंडे वंजेंग व्यक्ति इधे म्यासीन मिनत बंदा सेवा 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 देनी नावा परोल तिरुमाए ललिता नरेंद्र सिंह उइकल मंदा। मेरा नाम श्रीमती ललिता नरेंद्र सिंह उइके है। नना बिभारी केवलारी नारते मंतोना, मैं बिभारी केवलारी में रहती हूँ। सुर्ख अर अरा इर इरा उर उरा इर इरा और उरा अंगे अंगा कन खन गन घन डन चन छन जन झन अन टन ठन डन ढन रन तन थन दन धन नन पन फन बन भन मन यन रन लन वन शन सन सन हन छन त्रन ग्यन। वल्ले वल्ले सेवमान सेलाड़ मीवा आउने आप सभी सगा पाड़ियों को मैं बताना चाहूंगी कि जो अभी ने इन्होंने बताया सुर का मतलब होता है सौर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनार आम, गोंडी में बोला जाता है सुर, और वंजेंग जो कलम खरगोश गन्ने जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, और हिंदी में अपन बोलते हैं व्यंजन 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 मतलब वो होता है गोंडी में वंजेंग।
तो सुर्ख और वंजिंग इन्होंने स्वर और व्यंजन बताया है अनार से लेके ज्ञानी तक के, अनार से लेके आहा तक के सुर्ख होता है और जिसे अपन हिंदी में स्वर बोलते हैं, और वंजिंग, वंजिंग वो होता है जो कलम से लेके ज्ञानी तक होता है वो अपन व्यंजन बोलते हैं, और गोंडी में वंजिंग बोला जाता है। तो वल्ले वल्ले से अमन दीदी मीवा दीदी नाना मियाज तीन उन्े रणचा प्रश्न पूछे क्या ने चाहे मैकम इंगे दीदी पूछे की तो ललिता दीदी हां भैया दीदी नेन बती चकना महंगा नेन मीन कना चकना आंदू दीदी। अच्छा तो नाड़ी बेगा हंदा वाले वंदनी नाड़ी नला घोटुल हंद का। अच्छा ते घोटुल उंडे बाउन मंदोरी सबूते अरोते ममर तो बे चौखट मंद मर दीदी। वल्ले वल्ले सेवा मान दीदी मीवा मीवा भी सेवा मान सेवा, दीदी सेवा जोहार सेवा 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 जोहार। वैशाली जी गोंडी के बाद जो है हिंदी में भी यदि आप अनुवाद करेंगे तो हमारे उन हिंदी भाषी जो जो लोग हैं जिनको गोंडी नहीं आती है तो उनको भी समझ में आएगा गोंडी के बाद यदि आप हिंदी में भी बोलेंगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ले चलते हैं आगे की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता दीदी आपका, आपने बहुत अच्छे से सुर्ख और वंचिंग को बताया है। अब इसी कड़ी में ले चलते हैं कल्पना आतो मीवा इदु मांदी ते वल्ले वल्ले सेवा मान मंदा इमाट अपला पुरो परोल बेयाट आउ ने पदंग खरिंग व्यक्तित कल्पना बुआ आपको सेवा सेवा। आप अपना पूरा नाम बताएंगे, पूरा परिचय दीजिएगा और आपको बारह खड़ी बोलना है। सेवा सेवा बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा सेवा निशात नावा परोल तिरुमाय कल्पना प्रभाकर मंगाम नना कल्याण ते मंतो ना मैं कल्याण में रहती, मैं कल्याण में रहती हूँ। पदंग खड़ी करकुन कारकुन किरकुन किरकुन कुरकुन कुरकुन केरकुन कैरकुन कोरकुन कौरकुन कमकुन कहाकुन खरकुन खारकुन खीरकुन खीरकुन खुरकुन खुरकुन खेरकुन खैरकुन खोरकुन खौरकुन खमकुन खाकुन गरकुन गारकुन गिरकुन गिरकुन गुरकुन गुरकुन गैरकुन गैरकुन गोरकुन गौरकुन गमकुन घाकुन घरकुन घारकुन घिरकुन गिरकुन घैरकुन घोरकुन घोरकुन घमकुन घाकुन चरकुन चारकुन चिरकुन चिरकुन चुरकुन चुरकुन चेरकुन चेरकुन चोरकुन चौरकुन चमकुन चहाकुन छरकुन छारकुन चिरकुन चिरकुन छुरकुन छुरकुन छेरकुन छोरकुन छोरकुन छमकुन छाकुन जरकुन जारकुन जिरकुन जिरकुन झुरकुन झुरकुन जेरकुन जैरकुन झिरकुन झिरकुन झुरकुन झुरकुन झेरकुन झेरकुन झोरकुन झोरकुन झमकुन झाकुन टरकुन टारकुन टिरकुन टिरकुन टुरकुन टुरकुन टेरकुन टैरकुन टोरकुन टोरकुन टमकुन टहाकुन ठरकुन ठारकुन ठिरकुन ठिरकुन ठुरकुन ठुरकुन ठेरकुन ठोरकुन ठोरकुन ठमकुन ठाकुन डरकुन टारकुन डिरकुन डिरकुन डुरकुन डुरकुन डेरकुन डैरकुन डोरकुन डौरकुन डमकुन ढाकुन ढरकुन ढारकुन ढिरकुन ढिरकुन ढुरकुन ढुरकुन ढेरकुन ढोरकुन ढोरकुन ढमकुन ढाकुन
नरकुन नारकुन निरकुन निरकुन नुरकुन नुरकुन नेरकुन नेरकुन नोरकुन नौरकुन नमकुन नहाकुन तरकुन तारकुन तिरकुन तिरकुन तुरकुन तुरकुन तेरकुन तोरकुन तोरकुन तम तमकुन तहाकुन थरकुन थारकुन थिरकुन थिरकुन थुरकुन थुरकुन थेरकुन थेरकुन थोरकुन थोरकुन थमकुन थाकुन दरकुन दारकुन दिरकुन दिरकुन दुरकुन दुरकुन देरकुन दोरकुन दौरकुन दमकुन दहाकुन धरकुन धारकुन धीरकुन धीरकुन दुरकुन दुरकुन धेरकुन धैरकुन धोरकुन धौरकुन धमकुन धाकुन नरकुन नारकुन निरकुन निरकुन नुरकुन नुरकुन नेरकुन नेरकुन नोरकुन नौरकुन नमकुन नहाकुन फरकुन फारकुन फिरकुन फिरकुन फुरकुन फुरकुन फेरकुन फेरकुन फोरकुन फौरकुन फमकुन फाकुन बरकुन बारकुन बिरकुन बिरकुन बुरकुन बुरकुन बेरकुन बैरकुन बोरकुन बोरकुन बमकुन महाकुन भ भरकुन भारकुन भिरकुन भिरकुन भुरकुन भुरकुन भेरकुन भैरकुन भोरकुन भौरकुन भमकुन भाकुन म मरकुन मारकुन मेरकुन मेरकुन मेर मेरकुन मैरकुन मोरकुन मौरकुन ममकुन महाकुन य यरकुन यारकुन इरकुन इरकुन उरकुन उरकुन एरकुन औरकुन 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 यमकुन यहाकुन र ररकुन रारकुन रिरकुन रिरकुन रुरकुन रुरकुन रेरकुन रैरकुन रोरकुन रौराकुन रमकुन राहकुन ल लरकुन लारकुन लिरकुन लिरकुन लुरकुन लुरकुन लेरकुन लैरकुन लोरकुन लौरकुन लमकुन लहाकुन व वरकुन वारकुन विरकुन विरकुन उरकुन उरकुन वेरकुन पैरकुन ओरकुन वौराकुन वमकुन वहाकुन शरकुन शारकुन शिरकुन शिरकुन शुरकुन शुरकुन शेरकुन सैरकुन शोरकुन सौरकुन शमकुन शाहकुन स शरकुन शारकुन शिरकुन शिरकुन सुरकुन सुरकुन सैरकुन सैरकुन सोरकुन शोरकुन शमकुन शाहकुन स सरकुन सारकुन सिरकुन सिरकुन सुरकुन सुरकुन सैरकुन सैरकुन सोरकुन सौरकुन शमकुन शाहकुन हरकुन हारकुन हिरकुन हिरकुन हुरकुन हुरकुन हेरकुन हेरकुन होरकुन हौरकुन हमकुन हाकुन क्षरकुन क्षत्रिय क्षरकुन क्षारकुन क्षिरकुन क्षिरकुन शुरकुन शुरकुन शेरकुन सैरकुन शोरकुन शौरकुन शमकुन शाकुन त्ररकुन त्रारकुन त्रिकुन त्रिकुन त्रुरकुन तुरकुन त्रेरकुन त्रोरकुन तौराकुन त्रमकुन त्राहकुन ज्ञ ज्ञरकुन ज्ञारकुन ज्ञरकुन ज्ञरकुन ज्ञुरकुन ज्ञुरकुन ज्ञरकुन 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 ज्ञराकुन
नमकून नहा कोन वल्ले 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 सेवामान आतो मीवा वल्ले चोकोट वेतिट आप सभी सगा पाड़ियों को हम बताना चाहते हैं कि आतो ने जो है जिसको बारा खड़ी हम जिसको अपन जिसको गोंडी में बोलते हैं पदंखरिंग, तो इन्होंने क से लेके ज्ञानी तक के बारा खड़ी को बोला है, जिसमें मतलब जैसे अपन हिंदी में होता है क क का की सेम उसी प्रकार अपने इसमें भी होता है अपनी गोंडी में जो बुआ ने आप सभी के समक्ष में रखा है। आतो मिकुनना रंचा प्रश्न पूछेगी क्या? अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं हिंदी में बोल लेती हूँ। बुआ आपने क्या बनाया आज? आतो इमार्ट लेंड बत्ती अटती खाना, हिंदी में हम रिपीट करते हैं, आपने खाने में क्या बनाए? इमाट चकना बत्ती अटती नावर होते साड़ी ने चकना अंदर। अच्छा आतो मियोर बाबा ना बत्ती परोल मंदा। आतो आपके पापा का क्या नाम है? नावर बाबा ना परोल पुनोसाय मारोत्राव वाडवे मंदा। वल्ले वल्ले से आवाना तो बहुत बहुत धन्यवाद बुआ, आपने बहुत अच्छे से सगा समाज के बीच में और हम सबके बीच में इस चीज को रखा। एक समय ऐसा था कि आप नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज हम सबको बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद बुआ। तो चलते हैं आगे की कड़ी में। सेवा सेवा बुआ। अब सुरजीत वाड़ीवा मिकुन सेवा सेवा इमाट वासी अपला पुरो परोल वेयाट मियासी ना अपोट वातलाप के काट अपलो ना गोंडी थे जो दिन चर्या था मंदा। सेवा सेवा दीदी अपला पुरो परोल वेया सबसे पहले। अच्छा सबूटे सगा पाड़ी तो नावा जीवा तालता सेवा 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 जोहर किया तो ना नावा परोल कुपाड़ सुरजीत वाड़ी वा मंदा ना मंडला ते मत्तो ना। सुरजीत आपोट इन्दे के वार्तालाप के काट है ना, तो ये सबसे पहले भैया नियोर बाबा ना बती परोल मंदा। नावर बाबा का क्या नाम है? एक्चुअली हिंदी ते भी वड़की ना मंदा अपला तो ना गोंडी ते भी इंगे दे। तो मियोर बाबा ना बती परोल मंदा आपके पापा का क्या नाम है? नावर बाबा ना परोल तिरुमाल श्री तिरुमाल मंगल सिंह वाडीवा मंदा। आपकी मम्मी का क्या नाम है? मीवा यायाना बती परोल मंदा। नावा आयाना परोल तिरुमाय मथुरा बाई वाडीवा मंदा। मेरी माता का नाम श्रीमती मथुरा बाई वाडीवा है। आज काय की सब्जी है? नेन बती चकना आंदू। नेड मावा रोते कुसरी आंदू। आज मेरे घर में दाल बनी है। आज कहाँ गया था घूमने? नेंड बेगा हंजी तोनी वलियाले। नेड अटुमते हंजी तोना दीती। मैं बाजार गया था। अच्छा इमा निवा आजीना बती परोल मंदा आपकी दादी का क्या नाम है? नावा आजीना परोल तिरुमाए कज्जो बाई वाडीवा मंदा।
हिंदी में भी बोलना है ना, तो ध्यान रखना। आदि का तिमति कज्जो बाई वाडीवा है। इमा भेड़ाघाट हंदी तो नीवा, आप भेड़ाघाट गए थे क्या? इंगे इंगे दीदी गया था। नेंड बेगा हंची तो नी, आज कहाँ गया था? नेंड तो बेगा हिले दीदी, कहीं नहीं गया था। हिंदी में भी बोले। नाड़ी बेगा दाकी कल कहाँ जाएगा? नाड़ी गोटोलते हैं जी। नाड़ी बसो दिया मंदा, कल कौन सा दिन है? नाड़ी 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 सुरवा नेट आन, नाड़ी सुरवा नेट आन दीदी, कल कल बुधवार है। हनेट नेटी बसो दिया मत्ता, परसों के दिन कौन सा दिन था? नेट नेटी पूर्वा नेट मत्ता, परसों के दिन रविवार था। वल्ले वल्ले सेवामान सुरजीत बीवा, इमाट वल्ले चोकोट गत्तीन, इंदे के इदु टैक्सी रहे माता अपनो ना मांदी, उंडे मुन्ने अपोट पड़की काट, ते वल्ले वल्ले सेवामान। मीवा भी वल्ले। सेवा 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 जोहार। लीली। बहुत बहुत। वल्ले वल्ले सेवामान कुंदा आया तो बहुत बहुत सेवामान बुआ आपका, आप आइए आज ये जो मांडी है पुनो साय डॉक्टर मोतीरावेन कंगाली दादा को समर्पित किया गया है। इस क्लास को, इस लाइव को, इस मांडी को, इस प्रोग्राम को, जो बुआ अपन सब जो प्रयास कर रहे हैं सीखने का और सिखाने का, तो छोटी सी कोशिश और ये करते हैं जो सभी लोग नहीं जुड़ पाते, तो आज हम सब समर्पित करते हुए और थोड़ा सा कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं अपन। तो बल्ले बल्ले सेवामान आतो, इमाट अपना पूरा परोल वेयाट, आओ ने परोल वेची अपलो ना जो दमरुता लेंगते, जो उच्चारण पसीता, जो लेंग पसीता, आओ डमरुता लेंगता, जो लेंग पसीता ना पसी सिकुन, जो अपलो ना पांडी पारी कुपाल लिंगो बाबाल केम सिकुन ता ना उच्चारण की तोड़, ते या तो इमाट आओ जैसो कि अड़ंग अड़ांग ये है ये कुन वेकेट। बुआ आपका स्वागत है ये मांडी में, आप को अपना पूरा परिचय बताना है, परिचय के साथ में परिचय बताने के बाद वो आपको जो डमरू की आवाज से निकला हुआ जो स्वर है, जो आवाज है, सॉरी जो आवाज है, जो पहानी पारी कुपाल लिंगो बाबा ने उनका उच्चारण किया है, आपको उनको बताना है, फिर उसके बाद अपन चर्चा करते हैं। सेवा सेवा बुआ। सबूते सगाजन होना, सेवा सेवा सेवामान, अर अर से अड़ंग, सॉरी हाँ, नावा परोल, तिरुमाय, कुंदा, मधुकर, आत्रा मंदा, नना कल्याणते मंतोना, अर से अड़ंग, अरा से अड़ांग, ईर से इड़ंग, इरा से इड़ांग, उर से उड़ंग, उरा से उड़ांग, एर से एड़ंग, एरा से एड़ांग, ओर से ओडांग, औरा से उड़ांग,
अंगे से अमडंग, अंगा से अहडांग। वल्ले वल्ले सेवमान आतू मीवा। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ आपका। इमाट जो आप लोग ना सबसे मुन्ने जो कोया बोली इंतोड़, जो पाना पारसी भी इंतोड़, सबसे मुन्ने तो पाना पारसी आता, पाना पारसी तल फिर कोया बोली आता, कोया बोली तल फिर गोंडी भाषा आता। सबसे पहले तो पाना पारसी है, पाना पारसी के बाद कोया भाषा है, कोया भाषा के बाद फिर गोंडी बोली, जो अपना पूरा कोयतुड़ेन विदार, जो कोयतुड़ेन सगा समाज है वो बोलते हैं आज गोंडी भाषा। तो जो आपने बताया है बुआ, वो डमरू की आवाज जो होती है, जो डमरू बजता है उसकी आवाज से जो निकले हुए, जो निकला हुआ है वो, उस आवाज से पांडी पारी कृपा लिंगो बाबा ने उनका उच्चारण किया है, अड़ंग से अर। इस प्रकार को आपने बहुत अच्छे से बताया है, सगा समाज के बीच में बहुत अच्छे से रखा है। या तो इमा जो है वेतोड़ी टपलोना जो अड़ंग अर अड़ंग अरा इदु अपलोना सबसे मुन्ने पहानी पारी कुपाल लिंगो बाबाल देना उच्चारण की तोड़ मीवा बल्ले बल्ले सेवमान आतो आतो मीवोर बाबना बती परोल मंदा बुआ आपके पापा का क्या नाम है? नाओर निओर बाबाना परोल पुनो साय बाजीराव सरोते मंदा। मेरे पिताजी का ने देगा हां जी तो इट हां कोई बात नहीं हुआ नेंड बेगा हंसी तो इटा तो आज कहां गए थे बुआ? नेंड बेगा हिले बेटा आज। अच्छा नेंड बेगा हिले। हां तो वल्ले वल्ले सियामा ना तो मीवा उंडे मुन्ने मांधी ताक्सी रही माता उंडे आपको चर्चा के काज सेवा सेवा तो सेवा सेवा। मावा संगने है सेवा सेवा उर्मी, सेवा सेवा उर्मी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मीवा वल्ले वल्ले सेवा मानेंदा। सेवा सेवा दीदी, सेवा सेवा उर्मी लेंग वल्ले उर्मी मीकुन अपना पूरा परोल व्यक्ति ना मंदा नवा परोल रायता उर्मी रा नरे मंदा उर्मी उर्मी अच्छा म्यूट किसे चल हाँ बत्ती लाए बत्ती लाए इन्दे के थोड़ा सी सब हाँ आ तू वर्कआउट म्यूट अनम्यूट क्यों था उर्मी हाँ इमाट दिया तंग परोल कुंडे मान तंग परोल ले यार पुरवानेट नल्लानेट सुरका नेट सुरवा नेट मुट्ठा नेट नीलू नेट आरु नेट पदोमान पादुमान पांडुमान अदोमान उरोमान चिंदोमान कोंदोमान वल्ले वल्ले सेवामान रुही उर्मी मिया वल्ले वल्ले धन्यवाद सेवा सेवा सेहा जोहार।
आप सभी सगा पाड़ियों को सेवा 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 जोहार करते हुए हम बताना चाहेंगे कि ये उर्मी नर्रे जी है, छिंदवाड़ा से हैं। इसके पहले कुंदा बुआ आई हुई थे, वो कल्याण से हैं, मुंबई कल्याण से। उनके पहले कल्पना बुआ आए हुए थे, वो भी कल्याण से हैं, मुंबई कल्याण से। उनके पहले ललिता दीदी आए हुए थे, वो त्यूनी बरघाट से हैं। और उनके पहले आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाली सर आए हुए थे, भोपाल से थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम सबके बीच में अनिता बुआ, अनिता आतो मिवा वल्ले वल्ले सेवामान मंदा आतो इमाटवासी कुन अपला पुरो परोल वेयाट आउने नूर वेरी पाड़ा से मिवा वल्ले वल्ले सेवामान आतो। बहुत बहुत स्वागत है बुआ आपका। आप आइए, अपना पूरा परिचय बताइए और एक से लेके सौ तक के पहाड़े गिनती बताइए। सबना पहले तो नाना पुनसाय आचार्य मोतीराम कंगाली जी कुन सेवा सेवा के का अदेना बाते सभी सगा पाड़ीतून सेवा सेवा। नावा परोल अनिता खेमचंद उसामंदा नाना कर्जत ते मंतो ना डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ मुंबई कचुल मंदा। अपन नूरवेरी पाड़ांग वेती ना मंदा उंदी रंड मुंद नालुंग सयुंग सारुंग येरुंग अरुंग नरुंग पद पदुंडी पदंड पदन पनालु पसयु पसारु पदेरु पदारु पनरु रंडु रंडुंडी रंडन रंडुन रनालु रनसयु रनसारु रंडेरु रंडारु रनरु मंडु मंडुंडी मंडन मंडुन मनालु मनसयु मनसारु मंडेरु मंडारु मनरु मनालु नालुंदी नालंद नालुंद नानालु नालसयु नालसारु नालेरु नालारु नालनरु सयु सयुंदी सयन सयुन सनालु सयु सयसारु सयेरु सयारु सयनरु सारु सारुंदी सारन सारुन सारनालु सारसयु सारसरु सारेरु सारसारु सारयारु सारनरु येरु येरुंदी एरन एरुन एरनालु एरसयु एरसारु एरयारु एरारु एरनरु अरु अरुंदी अरन अरुन अरनालु अरसयु अरसारु अरेरु अरारु अरनरु नरु नरुंदी नरन नरुन नरनालु नरसयु नरसारु नरेरु नरारु नरनरु नूर नूरवेरी पाड़ा आतुं बेटा वल्ले वल्ले सेवामान आतो मीवा जो उंदी ताल पे नूरवेरी इमाट वेतेट आतो नना म्यासीन वड़की का आतो नेंड बेगा जी नेंड कार्यते हंजी बेटा पल्स पोलियो प्रोग्राम ताक्षीरे माता ना ते आतो नाटेल वाईविट बुआ गाँव नहीं आ रहे हो इल्ले बेटा गाँव इल्ले वाया पुरुन इते पोलियो प्रोग्राम ताक्षी रहे माता उन्हें कोरोना ता भी है कोरोना इंजेक्शन वातु ठीक है चालू भी आतु लक्षी ना हाँ ते ने आतो हिंदी ते भी व्यक्ति ना है बती बेटा इधे हिंदी ते भी व्यक्ति ना है जो आपो टोड़की काट अच्छा अच्छा इंगे 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 ठीक है। तो हमारी इधर ना पल्स पोलियो प्रोग्राम अभी चालू है पूरे इंडिया में, आपके इधर भी होगा और वो 5 दिन रहता है ना वही चालू है और कोरोना इंजेक्शन चालू है तो छुट्टी नहीं मिल रही है इधर ना गोंडी ते वड़की मत तो ना हाँ आ तो जसो मिवा नाटे मड़मी गए थे फिर वाइटोइट कर ले वाइकिट का ले मत अब वो आपके गाँव में जैसे शादियां हैं तो आप आओगे कि नहीं
शादी में तो आऊंगी वाय कनना मडमिंग तुन अच्छा बुआ आप अभी जैसे कछारगढ़ में जतरा लगने वाला है तो आप आने वाले हैं तो जैसे कि कछारगढ़ ते जतरा हिंदे वाले हैं ना देवती मठ वाय वाले मंदिर में इगडाल माव ग्रुप वाय वाले है कल्याणता पर नाक छुट्टी पुटार बा हिले व्यवकर हमारे यहाँ से कल्याण से एक ग्रुप आया हमारा ग्रुप है आदिवासी ग्रुप महिला मंडल का उन लोग हमेशा आते हैं तीस साल भी आएंगे लेकिन मेरे को छुट्टी मिलेगी भी नहीं बता नहीं सकते तो अगर वाइकिट ते माखुन वेकिट बुआ अगर आप आओगे तो जरूर बताइएगा इंगे बेटा मिकुन पुट्टी कुम ना जरूर बेटा आप लोगों को मिलेंगे वल्ले वल्ले सियाओ मारना तो बहुत बहुत धन्यवाद बुआ आपने बहुत अच्छे से बताए सगा समाज के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद बुआ वल्ले वल्ले सियाओ मारना तो मीवा इमाट वल्ले चोकुट वित्तित सगा समाज तुन सेवा सेवा या तो सेवा सेवा बेटा चलते हैं इसी कड़ी में पुष्पा बुआ की तरफ इंगा पुष्पा आतो के पुष्पा आतो मीवा वल्ले वल्ले सेवामान मंदा इमाट अपना पुरो परोल मुले चलता के काट नावा परोल पुष्पा रामलाल उइके मंदा मेरा नाम पुष्पा रामलाल उइके है नन्ना कल्याण ते मंतो ना मैं कल्याण में रहती हूँ मीबा वल्ले वल्ले सियामान मंदा आतो आपका बहुत बहुत स्वागत है बुआ आतो इंगा आपोट जो दिनचर्या मंदा आप ही चर्चा के कर ते आतो नेंड बेगा हांजी तोड़ी बुआ आज कहाँ गए थे नेंड नना बाहरो हांजी मतो ना मैं आज बाहर गई थी बती अक्ति ताट तो क्या बनाए बुआ चकना हाँ मावा रोते सुरन ता चकना अंदू मेरे घर में सुरन की सब्जी है उन्हें नाड़ी बेगा हंदा वाले मंदरी ताट कल कहाँ जाने वाले हैं बुआ नाड़ी बेगा इले रोते ने मंदो ना कल कहाँ नहीं जाने वाली हूँ घर में ही हूँ बुआ मुझे मुर्गा खाना है आपके यहाँ बुआ हमको मुर्गा खाना आपके यहाँ आतो नाकुन घोगोटाल तिंदाना मंदा मिवार होते ते ना अमोट मियार होते बस के भाई को हम आपके घर कब आएंगे कभी भी आ सकते हो बस के भी वाइफ और इतने मार होते आ तो एक डाल मीवा नार बचोले लख बंदा मावा नाटाल मावा मध्य मतलब बालाघाट जिला ताल मीवा नार बचोले लख बंदा बुआ बालाघाट से आपका गांव मुंबई जहाँ तक कितना पड़ता है वल्ले लख बंदा यहाँ से बालाघाट बहुत दूर है आतो इमाट नाटे बस के वाइकिट बुआ आप घर कब आओगे गाँव आमोट इंदे के हिले वायो हम अभी नहीं आ रहे हैं तो बस के वाइकिट बुआ आतो कब आओगे बुआ अमोट इंदे के तो मारते पिल उदो मानते वाई को मड़मी ने हाँ मड़मी ने उदो मानते हम लोग अप्रैल में आने वाले हैं गांव अच्छा उदो मानते ते वाले चोकोट बंदा आते मीवा ते इंगा मतलब अभी कुछ कर रहे हैं क्या बुआ आतो इंदे के बती किया बती ही ले
देखिए माँ मांदी तकती रहे माता ना, अभी मैं तो सुन रही हूँ, अभी चालू है ना अपना लाइव प्रोग्राम। उंडे वे यहाँ डातो बाउन रोतोड़ सबूटे सगाल सेला और मामल तंबूर बाउन मंदोड सबे चौकट मंदोड। और बताइए बुआ घर पे सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं घर के, सभी चौकट मंदोड़ रोतोड़। अच्छा अच्छा, तो मीवा आजी ना बती परोल मंदा। अच्छा बुआ आपकी दादी का क्या नाम है? नवा आजी ना परोल रूपोता मंदा। मेरे दादी का नाम रूपोता कुंजाम है। अच्छा बुआ आपकी जो बहन होती है ना बड़ी बहन, अच्छा तो मीवा जो फड़ा से लाड़ मंदा अपना परोल बत्ती मंदा। फड़ा से लाड़ तो इलोड़ चुडूर मंदा। अच्छा हाँ, चुडूर से लाना व्यान छोटी दीदी का ही बताइए। चुडूर से लाना परोल तिरुमाय अंतकला टेकाम मंदा। मेरे छोटी बहन का नाम अंतकला टेकाम है। बुआ आपकी नानी का क्या नाम है? आतो मीवा काकुना बती परोल मंदा। नावा काकुना परोल पुनो शाय पुनो साय सारू मंदा। मेरे नानी का नाम श्रीमती सारू इके है। वल्ले वल्ले सेवमा नातु मीवा बहुत बहुत धन्यवाद बुआ, आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगा हमें। आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ मतलब वार्तालाप किए, बहुत बहुत धन्यवाद बुआ। तो चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं आगे की ओर। सुलोचना काकोडिया जी आपको सेवा सेवा। सुलोचना काकोडिया मीवा सेवा 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 मान मंदा। सेवा सेवा मैम, सगा जनतुन सेवा 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 जोहार उंडे। एंड गोंडी भाषा दिवस मंदा तो सबकुन शुभकामनाएं भी। मीकुन भी सुलोचना आउने सबुटे सगा समाज सगा पाडीर कुन भी सेवा सेवा सेवा। सुलोचना इमाट अपला पूरो परोल वे यार फिर आप चर्चा क्या तो राइट जी। नावा परोल रायतर सुलोचना का कुड़िया मंदा नना घाटु का ग्राम ते मंदो ना सिवनी जिले ते मंदे इतका। अच्छा सुलोचना आप ना आप वड़की का ठीक है। सुलोचना इंबती क्या इंदे के अपला पढ़ाई थे बती करिया इमांट। मतलब तो जिस प्रकार से आप सभी देख रहे थे कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहा है। और इसमें जो है ये हमारे बीच में सभी साथी जो हमारे हैं ये सभी अभी सीख रहे हैं और इन्होंने विगत 6 महीने में 4 महीने में गोंडी भाषा सीखी है। ये सभी हमारी मातृशक्तियां हमारे भाई जो यहाँ पर थे ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनके माध्यम से इनको देखकर हमें इस भाव का ये फीलिंग होती है, ये भाव जगते हैं कि हमें भी गोंडी भाषा सीखना चाहिए। निश्चित ही इस भाषा को सीखने में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम गोंडी भाषा को सीख पाएंगे। आज इस भाषा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज गोंडी भाषा का विलुप्ति के कगार पे है, बहुत कम लोग हैं जो गोंडी भाषा को बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अच्छे से बोल पाते हैं। तो निश्चित ही आज जो गोंडी भाषा दिवस है, आज जो हम इसको मना रहे हैं, इसको दादा मोतीराम कंगाली जी को समर्पित किए हैं, इसको इस भाषा आज के दिन को हम यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन का छोटा सा प्रयास है, आपका सभी का, इससे लाइफ में आज जो लोग जुड़े हुए हैं उनका और इस लाइफ को जो देख रहे हैं उनका एक संयुक्त प्रयास है
कि हम गोंडी भाषा को सीखें, आसपास का एक माहौल बनाएं, आसपास के एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिसमें हम आपस में लोगों से गोंडी भाषा में बातचीत करें। इस सेशन में आप यही देख रहे हैं कि लोग आपस में जो सीख रहे हैं वो किस प्रकार से आपस में दूसरे से बात कर रहे हैं, निश्चित ही हमारे लिए, हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मैं आमंत्रित पुनः करता हूँ वैशाली जी को, जो कि नेटवर्क कनेक्शन के कारण हमसे दूर हो गई थी, अब कि वो आए और अपनी क्लास को संचालित जैसे करती हैं वैसे संचालित जो है इस क्लास को कंटिन्यू करें। धन्यवाद वैशाली जी। वल्ले वल्ले सेवान दाऊ दाऊ, हमारे पास में ना रिपोर्टिंग प्रॉब्लम करके आ रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि नेटवर्क की इश्यू नहीं है यहाँ पे, वो किसी ने रिपोर्ट किया है, फिर भी कोई बात नहीं, समस्या आएगी हम लोगों के साथ में। वल्ले वल्ले सेवामान सबुटे सगा पाड़ीडकुन, मैं माफी चाहूंगी। सुलोचना ककोडिया जी, आपका पुनः स्वागत है। सेवा सेवा सेवामान है आपका। सुलोचना ककोडिया मीवा वल्ले वल्ले सेवामान समस्या तो वाइनुंगे, फिर भी मुन्ने बड़े माई बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना। आइए अपन चर्चा तो करेंगे, जिसको रोकना है रोक ले, हम तो रुकने वाले नहीं है। तो सुलोचना, चर्चा कर रहे थे अपन, हमने पूछे थे आपसे कि आप, हाँ गोटुल, आप मतलब सॉरी, पढ़ाई आपने छोड़ दी है या कर रहे हैं? इमा टिंदे के करिया तो या छुटे की थी? मैम नाना इंदे के भी करिए तो ना बीएससी सेकंड ईयर किया नहीं ना नाना को रही थे। मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, बीएससी द्वितीय वर्ष स्टार्ट है मेरा कुरई में। वल्ले वल्ले गिवा धन्य आई सुलोचना। कुरई तल किया उंडे रोते बाउन है नोर सबूते सगाल ते सबूते चकोट मंदोर, घर में सभी लोग ठीक हैं। अच्छा, याया और बाबा ना परोल में याना? मम्मी पापा का नाम बताइए। नावा याया ना परोल तिरुमाय बिजुबाई ककुड़िया मंदा, मेरी मम्मी का नाम श्रीमती बिजुबाई ककुड़िया है। नावल बाबा ना परोल तिरुमाल इंदर सिंह ककुड़िया मंदा, मेरे पिताजी का नाम श्रीमान इंदर सिंह ककुड़िया है। बल्ले बल्ले धन्य आई सुलोचना इमिवा। आओ ने आजी उंडे तादोना परोल वेक्की, वैसे ही आपके दादा और दादी का नाम बताइए। नावा आजी ना परोल मंदा तिरुमाय सहत्रीबाई ककुड़िया, उंडे नावर बाबा ना परोल तिरुमाल पुनाराम ककुड़िया मंदा, मेरी दादी जी का नाम है श्रीमती सहत्रीबाई ककुड़िया और दादाजी का नाम है श्रीमान पुनाराम ककुड़िया। अच्छा सुलोचना, इमाना आप लोग ना जो सुर्ख मंदा सुर्ख भैया ना सुरकुंडे वंजेंग रंटे सुरकुंडे वंजेंग, सुलोचना आप सुर्ख सौर और वंजन आप दोनों बताइए। अंगे अंगा, ये सुर्ख हैं जिन्हें हिंदी में स्वर कहा जाता है। अब मैं बताने जा रही हूँ व्यंजन, जिन्हें गोंडी में व्यंजन व्यंजन कहा जाता है। कन खन गन घन इंगन चन छन जन झन अन टन ठन डन डन टन ठन डन डन अडन तन थन दन तन थन दन धन नन पन फन बन भन मन यन रन मन बन सन सन
सन शन हन क्षण त्राण और यान। वल्ले वल्ले सियामान सुलोचना मिवा। खैर आप लोग जितो भी मांदीते मतोड़ सबूते सगाल सिंड वार्तालाप चर्चा की था वाले चोकोट लागतू। आज सभी सगा पाड़ियों जो थे उन सभी से अपने चर्चाएं कर लिए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा बात करके। अब हम आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल रहे हैं और प्रतिदिन 8 से 9 ज्वाइन लेते हैं अपनी गोंडी भाषा क्लास में। मिवा वल्ले वल्ले सियामान जो इमाट हर दिया एरुनालते नरुवेरी सॉरी अरुतालते नरुवेरी इमाट अपलोना गोटुल ज्वाइन किया तोड़ीट वाय तोड़ीट करिया तोड़ीट ना यू ने करी सी कुन वाय वाले पीढ़ी तुन भी व्यती ना कोशिश की किट इदे नवा मिनत मंदा इदे नवा अर्जी मंदा सबूटे सगा पाड़ीट कुन सीन। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग 8 से 9 ज्वाइन लेते हैं और सीख रहे हैं। और आप सभी से मैं निवेदन करूँगी मिनत करूँगी कि आप सभी पढ़िएगा जरूर जानिएगा ये और आने वाली पीढ़ी को जरूर बताइएगा क्योंकि हमारी जो भाषा है बहुत महत्वपूर्ण है। आज की ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हम लोग एक उदाहरण के लिए बोला जाए तो आप स्कूलों की बात करें तो आज हमारे सिलेबस में नहीं है हिंदी महाराष्ट्र वालों की मराठी है मध्य प्रदेश वालों की हिंदी है तेलंगाना वालों की तेलुगु है छत्तीसगढ़ वालों की छत्तीसगढ़िया है उड़ीसा वालों की उड़िया है लेकिन हमारी भाषा क्यों नहीं है। सबसे सर्वश्रेष्ठ हमारी भाषा है फिर भी आज हमारे भाषा का सिलेबस नहीं है स्कूलों में और हमारी भाषा को कोई मतलब उतना महत्व भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सभी सगा पाड़ियों से मैं निवेदन करूंगी कि हमारी भाषा को आप लोग आगे लाए जो आज हम सबके बीच में आदरणीय पुनोसाय डॉक्टर मोती रावण कंगाली दादा जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया है कोयापुनेम के लिए अपनी भाषा को लेके और हमें जानकारी मिली है कि जो आचार्य मोतीरान कंगाली तादो जो है हमारे कोई मुरी द्वीप के पहले व्यक्ति थे जो अपनी जो लिपि होती है उनको जाना था और उनको पढ़ा था। जब उन्होंने अपनी लिपि को जब जाना और समझने की कोशिश किया गया तो उनके आंखों से आंसू निकले थे ऐसा करके हमें जानकारी मिली थी। तो सौभाग्यशाली हम सभी लोग है कि उनकी लिपि जो उन्होंने पढ़ा है और उसको हम लोग अब कंटिन्यू रखे तो बहुत अच्छी बात है और सौभाग्यशाली है कि हम सबके बीच में उन्होंने छोड़ के गए हैं। तो हम सब ये जिम्मेदारी उठाए कि हमारी जो कोई अपने में हमारी संस्कृति हमारी भाषा हमारी जो लिपि है इसको बचाए रखे और यही निवेदन है आप सभी से। और बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करती हूँ देखने वाले सभी फेसबुक लाइव के माध्यम से और यहाँ उपस्थित सभी बुआ लोग और भाई लोग और जो जो संचालित कर रहे हैं सुरपाम दादा उनको भी मैं सेवा 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 जोहार करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वल्ले वल्ले सेवामन आडी दाऊ आपको मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ सेवामान करती हूँ सेवा 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 जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी और मैं आप सभी को बहुत बधाई आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं जो इस कार्यक्रम में आज अपनी सहभागिता निभाए हैं। मैं एक बार सभी सहभागिता इस कार्यक्रम में जो निभाने वाला है निभाए हुए हैं उन साथियों को मैं एक बार फिर से नाम लेकर परिचय देना चाहूंगा। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सूर्यवाली सर रहे हैं तिरुमाल डॉक्टर सूर्यवाली सर रहे हैं जिन्होंने अपनी बात रखी। आप सभी परिचित हैं गोंडी क्लासेस की संचालिका जो कि गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन की सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की अध्यक्ष भी हैं और ये प्रतिदिन गोंडी क्लास को संचालित भी कर रही हैं रात को 8 बजे से 9 बजे तक। आदरणीय वैशाली ध्रुवे जी आपका भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल्पना बुआ जी
कुंदा बुआ जी, ललिता उइके जी, अनीता उइके जी, सुलोचना खोड़िया जी, उर्मी नर्रे जी, आप सभी मातृ शक्तियों को भी सेवा 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 जोहार, बहुत बहुत बधाई के पात्र। और हमारे बीच में हमारे भाई जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित रहे और अपनी सहभागिता निभाए इस कार्यक्रम के माध्यम से। गोंडी भाषा दिवस निश्चित ही हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक छोटा सा प्रयास है, हम युवाओं की तरफ से निश्चित ही हमारे और भी साथी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और हम आने वाले समय में इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और निश्चित ही हमारे सभी युवा भी प्रतिबद्ध हैं कि हम गोंडी भाषा को जगाएंगे, उसमें उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित क्रम में आगे लाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, सिलेबस में भी लाएंगे और जो हमारी अनुसूची है उस अनुसूची में भी, भारतीय संविधान की अनुसूची में भी उस गोंडी भाषा को दर्ज कराने का एक प्रयास जो हमारे किया है, हमारे बुजुर्गों ने जो किया है, उसमें भी हम उनके पीछे कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए, उनके पीछे बताए हुए नक्शे कदम पे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गोंडी भाषा को जगाना और इसको जानना और इसके बारे में समझना और इसको बोलना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वर्ल्ड की इंडिजिनस लैंग्वेज में सबसे टॉप प्रियोरिटी में यदि सबसे कोई भाषा है तो वो है गोंडी भाषा। आप सभी जानते हैं कि गोंडी भाषा के माध्यम से हड़प्पा संस्कृति की लिपियों को पढ़ा गया है, लेकिन कोई भी साइंटिफिक तरीके से उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से हम लोग, हमारे लोग इसको रखा है, मतलब दादा मोतीराम गंगाली जी ने उस बात को साइंटिफिक तरीके से भी रखा है, लेकिन साइंटिस्ट उस बात को एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। ये ताकत है उस भाषा की जो इतिहास बना सकता है, इतिहास रच सकता है और इतिहास को बदल भी सकता है। तो साथियों, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम सभी के इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सेवा जोहार, एक बार फिर से गोंडी भाषा दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। सेवा 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 जोहार, धन्यवाद। सेवा।